दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल गुरुद्वारा सीजगंज साहिब। यह गुरुद्वारा सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की गौरवशाली गाथा को बयान करता है। इसी जगह पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया गया था। बाद में उन्हीं की स्मृति में इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। इस वजह से इस गुरुद्वारे का नाम सीसगंज साहिब पड़ा। यह गुरुद्वारा लाल किले से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर चांदनी चौक में स्थित है। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बेहद सुंदर है। इसका निर्माण लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है। गुरुद्वारे की दीवारों पर सुंदर कारीगरी की गई है और इसके शिखर पर कई गुंबद हैं। गुरुद्वारे का मुख्य गुंबद सोने की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में दर्शन करने आते हैं। सबसे पहले श्रद्धालु बाहर पैर धोते हैं, उसके बाद ही गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं। हर गुरुद्वारे की तरह यहां भी गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। यहां पर हर धर्म और संप्रदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक कर अपनी अरदास सुनाते हैं। गुरुद्वारे में दिन भर ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। गुरु दरबार में आए श्रद्धालु जप और पाठ करके असीम शांति प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि गुरु के दरबार में सभी बराबर हैं और मानवता की सेवा करना ही परम धर्म है। इसका जीता जागता उदाहरण यहां देखा जा सकता है। गुरुद्वारे की इमारत के ठीक पीछे गुरु का लंगर है। यहां आकर गरीब अमीर बड़े छोटे सभी के भेद मिट जाते हैं। सभी एक ही पंक्ति में बैठकर साथ साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही श्रद्धालु यहां सेवादान भी करते हैं। खाना बनाने से लेकर बर्तन की सफाई तक सारा काम श्रद्धालु खुशी खुशी करते हैं। गुरु पर्व, लोहड़ी और सिखों के कई पवित्र अवसरों पर इस गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया जाता है। गुरुद्वारे में 24 घंटे कीर्तन और पाठ होता है। साथ ही दिन भर लंगर की भी व्यवस्था की जाती है। इन मौकों पर गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इन आयोजनों में हिस्सा लेकर श्रद्धालु परम सुख की प्राप्ति करते हैं।